पुरु, सुरक्षा कड़ी है, एक साथ आक्रमण करेंगे तो विजय हमारी होगी। हाथी पर एक ओर से आक्रमण करने जाओ तो सिंह भी मात खा जाते हैं, एक साथ आक्रमण करेंगे तो पकड़े भी एक साथ जाएंगे। हमें अलग अलग दिशाओं से आक्रमण करना होगा। मैं खजाने की ओर बढ़ता हूँ। हस्ती, मेरी छठी इंद्री कहती है कि वो एक जाल है। छोटे हो, मुझे मत सिखाओ। नहीं हस्ती, पकड़े गए दस्यु, अगर ये वास्तविक लूट होती तो तुम्हारा सर धड़ से अलग होता। दस्यु को आगे कम पीछे ज्यादा देखना चाहिए बाबा। यदि ये वास्तविक लूट होती तो गर्दन आपकी भी नहीं बचती बाबा। अभिनंदन पुरु, अगले अभियान में भी दल का नेतृत्व तुम ही करोगे। पुरु क्यों, मैं क्यों नहीं बाबा, मैं भी तो आपका पुत्र हूं, पुरु से बड़ा भी हूं। कार्य क्षेत्र में बड़ा वो होता है जो दल का नेतृत्व करना जानता है। हस्ती और सुमेर, तुम दोनों की वजह से आज ये कार्य असफल होने जा रहा था, इसलिए तुम दोनों को दंड मिलेगा। दंड? मैं दशिवरानी का पुत्र हूँ, दंड देना मेरा अधिकार है और नेतृत्व का भी। नेतृत्व करने से पहले दल का सदस्य बनना सीखो, दल की योजना से हटकर कभी कार्य मत करना। ये तो सिर्फ अभ्यास था, अगर वास्तव में ऐसा होता तो तुम दोनों को यह भूल बहुत महंगी पड़ती। तुम्हें इतनी शीघ्रता नहीं दिखानी चाहिए थी हस्ती। पर सुमेर, वो रत्न तो तुम्हें ही चाहिए था ना, तुम्हारे लिए। मैं कुछ नहीं जानता, तुम्हारी वजह से मैं यहां बंधा हुआ हूं।
ये पुरु कहाँ है? नहीं जानता। पर बहुत सालों से परेशान करते आए हो हमें, आज तो गुनाह की हद पार कर दी। ये हीरा तुम्हारे वतन का सबसे कीमती और नायाब हीरा है, इतना कीमती के कई मुल्कों के शाह तक बिक जाए इसे खरीदने में। और ये तुम्हारे शहजादे कनिष्क की तरफ से तोहफा है हमारे फारस के शहंशाह डर्रायस के लिए, और तुमने मेरे फारूस के रहते इसे चुराने की कोशिश की। खत्म कर दो इन्हें। रुक जाओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सौदा है। वाह, अब लुटेरे भी सौदा करने लगे। ठीक है, पेशकश ऐसी होनी चाहिए कि हम ना ना कह सके। देखो मुझे छोड़ दो, मैं दस्युरानी का बेटा हूं, बहुत सारा धन लाकर दूंगा तुम्हें। लगता है मौत को सामने देखकर दिमाग खराब हो गया दोनों का। हमारा दिमाग नहीं, तुम्हारा समय खराब हो गया है। वो आ गया है। कौन? बस एक, बाकियों को भी बुलाओ। सूरज भी एक ही होता है, और जब आता है तो लाखों तारे भाग जाते हैं। तुम्हारी तारीफ। पुरु, पो, पोरु, पोरस, प्रेम से कुछ भी कहो, कोई अंतर नहीं पड़ता। आज के बाद तुम किसी की पुकार का जवाब नहीं दे पाओगे। और आप भी? और मुझे लगा एक फारसी में अधिक बुद्धि होती है। मतलब कि आपका वो अनमोल रत्न इन दोनों ने चुराया और आप मुझे मारना चाहते हैं। क्यों? इन दोनों के विरुद्ध आपकी सहायता भी की मैंने और आप मुझे मारना चाहते हैं। इन दोनों के बंधन भी काटे ताकि आप इन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारें और एक उदाहरण बना सके कि दस्यु जो भी करे परंतु एक फारसी से कभी ना भिड़े। अरे, क्योंकि मेरा मानना यह है कि एक फारसी अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली होता है। क्यों? सही कहा ना मैंने? देखो मित्र, मेरा आप पहले इसे मारो, इसे, ये मेरा भाई मेरी एक बात नहीं सुनता, मारो इसे। देखो मित्र, कीचड़ का स्वभाव है मैला होना, और आप जैसा बुद्धिमान व्यक्ति कीचड़ में अपने पांव क्यों डालेगा? और यह सभ्य मेले कुचले दस्यु इनके रक्त से अपने ये महंगे फारसी वस्त्र क्यों खराब करना चाहते हैं?
छोड़िए नहीं। और फारसी तो अधिक बुद्धिमान और शक्तिशाली होते हैं, तो लगाइए अपनी बुद्धि। वैसे आपका वो जो रत्न, वाह अद्भुत। मूर्ख, बस बहुत समय पर बात कर दिया तुमने मेरा, अब तुम्हें तुम्हारी मौत से मिलवाता हूं। अरे ठीक है, मार देना, पहले ये अपना ये रत्न ले लीजिए। लीजिए। अब भागो। कूदो, जाओ, कूदो से। दस्यु, बोरस। अब तुम्हारी मृत्यु तय है। पुरु क्या कर रहे हो, चलो यहां से। भाई ये तो डरा रहा है हमें। अरे डरा रहा है, शीघ्र चलो यहां से। जल्दी क्या है सुमेर, पहले इसे ये तो बता दे कि मृत्यु और दस्यु के जो ऊ का स्वर है वो होता कैसा है। दास बनाकर फारस लेकर जाना चाहते हैं, हम वहां नहीं जाना चाहते। पुरु चलो यहां से, इनको इनका सबक मिल गया। पुरु चलो। नहीं, ऐसा मत बोलिए, यदि आप लोग हमें छोड़कर चले गए तो हम सब अपने घर वापस कभी नहीं जा पाएंगे। तो चले यहां से। इन्हें साथ लिए बिना नहीं जाऊंगा। लेकर चलिए, शीघ्र चलो यहां से, इनसे हमारा कोई संबंध नहीं है, हम दस्यु हैं। दस्यु हैं इसीलिए माल लूटते हैं, मातृभूमि नहीं। वाह क्या जज्बा है, आज तक कभी सुना नहीं के लुटेरों का भी कोई ईमान कोई मजहब होता है। देश तो होता है
तुम और तुम्हारा वतन। गुलामी तुम्हारे खून में है और तीमारदारी तुम्हारी आदत, इसलिए गुलाम बनाकर ले जा रहा हूं इन्हें, क्योंकि इनकी असली जगह वही है। और रही बात तुम्हारे मातृभूमि की, तो वो एक दिन हम फारसियों के तलवे चाटेगी और तुम्हारे वतन के लोग हमारी फेंकी हुई थाली को कुत्तों की तरह चाटेंगे। बहुत बड़ी भूल हो गई तुमसे फारूस, दो बातें मेरा क्रोध जगा देती हैं, फेंकी हुई थाली और मां पे काली। नौका जब डूब रहा हो तो उसका बोझ हल्का कर दिया जाता है।
मौत के सामने खड़े होते हुए डर नहीं लगता बच्चे? डरे हुए तो तुम हो साथी सिया, अगर बेखौफ होते तो शाह फिलिप के किसी और जंग में मसरूफ होने का फायदा उठाकर मैसेडोनिया पर पीछे से हमला नहीं करते। अगर जवाब मिलेगा मिलेगा, पीठ पे वार का जवाब सीने पे देगा ये अलेक्जेंडर।